हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सिलेनियम वेब ड्राइवर क्लास एंड मेथड्स के बारे में आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सिलेनियम में हमारे पास कुछ प्रीडिफाइंड क्लास और उन्हीं के ही कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स होते हैं, जिसके बारे में आज ये डिस्कशन करने वाला हूँ। सो मे बी इंटरव्यू में आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई वेब पेज है तो उस वेब पेज को कैसे कस्टमाइज किया जा सकता है, या उसके वेब ब्राउजर को किस तरीके से हम लोग छोटा कर सकते हैं या लार्ज कर सकते हैं, उसके लिए अगर आपके पास कोई मेथड है तो डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक डायमेंशन, एक क्लास होती है सिलेनियम के अंदर, और इस प्री डिफाइंड क्लास के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। उन मेथड्स में हमारे पास एक मेथड होता है सेट साइज नाम का मेथड। ये सेट साइज नाम का मेथड करेगा क्या, इसके थ्रू हम लोग अपने वेब पेज का जो कंप्लीट साइज होता है उसको हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेनियम वेब ड्राइवर के जो मेथड्स होते हैं उसी में ही सिलेनियम वेब ड्राइवर में मेथड्स के साथ साथ सिलेनियम की जो क्लास होती है उन क्लास के भी कुछ मेथड्स होते हैं जिसके बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। यानी कि ओवरऑल जो प्रीवियस क्लास हम लोगों ने करी थी उसमें ड्राइवर के मेथड से जिसको हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और आज की क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सिलेनियम के अंदर जो क्लासेस होती प्री डिफाइंड उनके मेथड्स के बारे में। जैसे डायमेंशन क्लास जो आपके पास है इसका प्री डिफाइंड मेथड हमारे पास यहाँ पर होता है गेट हाइट और गेट विड्थ। इस गेट हाइट और इस गेट विड्थ के थ्रू आप अपने वेब पेज के करंट जो भी आप वेब पेज का ओपन अप करते हो उसकी हाइट और उसके विड्थ को आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो, या किसी टेक्स्ट बॉक्स के आप हाइट और विड्थ को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग आज इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। ओके तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ और देखते हैं कि सिलेनियम की जो डायमेंशन क्लास है वो कैसे काम करती है और किस तरीके से गेट हाइट और गेट विड्थ मेथड को हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी मैंने सिलेनियम के प्रोजेक्ट को बनाना आप लोगों को बता दिया था। अगर किसी ने क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा प्रीवियस 3 to 4 क्लासेस का, वो आप लोग देख लीजिएगा। कुछ नहीं क्लियर हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब हम लोग डे 5 में आज हम लोगों को डायमेंशन क्लास की स्टडी करनी है और मैं उसको आपको बताऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले पैकेज का नाम हम लोग रख लेते हैं डे 5। डे 5 के अंदर हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास का नाम हम लोग रखते हैं डायमेंशन, ठीक है। DIM करके मैंने क्लास का नाम रख दिया और यहाँ पर आप उसमें मेन मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप क्लास क्रिएट कर सकते हैं। क्लास को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे डायमेंशन के क्लास को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आप अपने क्रोम ड्राइवर को ओपन कर लीजिए। तो क्रोम ड्राइवर की क्लास को कॉल करिए, इसमें आपके पास आ जाएगा ड्राइवर, ये हो गया आपके पास एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू न्यू, फिर से आप यहाँ पे कर दीजिए क्रोम ड्राइवर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे ड्राइवर को ओपन करिए, डॉट गेट मेथड को कॉल करिए और यहाँ पर आप एक URL पास कर दीजिए। तो URL हम लोगों के पास ऑलरेडी है google.com, यहाँ से कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद इस URL में जाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो URL आपका यहाँ पे आ चुका है, क्रोम ड्राइवर ओपन होगा, यानी कि क्रोम ड्राइवर हिट करेगा क्रोम ब्राउजर को। क्रोम ब्राउजर ओपन होगा, उसके ऊपर एक URL लोड हो जाएगा। URL को लोड होने के बाद आप अपने पेज को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, सो ड्राइवर डॉट मैनेज ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज, इस तरीके से आप अपने पेज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आपको थ्रेड रखना है, तो आप यहाँ पे अपने वेब पेज को होल्ड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड मेथड। ये जावा में आपको यूज करने के लिए मिल जाएगा, थ्रेड क्लास और थ्रेड मेथड कैसे काम करते हैं इसको आप जावा के डॉक्यूमेंटेशन में एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सिलेनियम में डायमेंशन क्लास को कैसे एक्सेस किया जाता है। जैसे ही आप DIM करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा सिलेनियम की जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है उसमें से आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑरेंज, उसमें से आपको मिल जाएगा तो डायमेंशन क्लास को कैसे यूज करना है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने यहाँ पे लिखा DIM, तो DIM को लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा DIM org.openqa.selenium नाम की जो लाइब्रेरी है उसको आप एक्सेस कर लीजिएगा। यहाँ पर इसका DIM का ऑब्जेक्ट बना लीजिए, तो डायमेंशन का जो ऑब्जेक्ट नेम है मैंने कर दिया DIM अंडर स्कोर करके मैं OBJ लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि क्लास का नाम भी DIM था और ऑब्जेक्ट का नाम भी DIM है। तो इसलिए मैंने दोनों में एक डिफरेंट की ऐड कर दी जिसको हम लोग यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। तो
डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया डीआईएम ओबीजे इज इक्वल टू न्यू, और फिर से आप यहाँ पे डायमेंशन को लिख सकते हैं। सो दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर दो आर्गुमेंट आपको पास करने हैं। फर्स्ट आर्गुमेंट में आपके पास जाएगा हाइट और दूसरे आर्गुमेंट में आपके पास जाएगा विड्थ। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा हाइट और विड्थ आपके पास यहाँ पे जाएगा। तो फर्स्ट वाले में एक्चुअली में विड्थ होता है, सेकंड वाले में हाइट होती है। तो हम लोग यहाँ पे विड्थ रख देते हैं 300 और जो आपके पास हाइट है वो मैंने कर दी 600। ठीक है, ये रैंडम नंबर मैंने अभी आपके लिए लिए हुए हैं, आप कोई भी नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर डायमेंशन ऑब्जेक्ट जो है उसको आप यहाँ पे कॉल कर लीजिएगा डायमेंशन ओबीजे डॉट। अब डायमेंशन ऑब्जेक्ट क्या है, गेट हाइट और गेट विड्थ वगैरह अगर आपको एक्सेस करने तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको सेपरेटली समझा दूंगा कि उसको कैसे यहाँ पे यूज करना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ड्राइवर को कैसे यहाँ पे यूज करना है। तो ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज की जगह पर अब आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेट कर रहे हैं। तो सेट साइज नाम का आपके पास एक प्रीडिफाइंड मेथड होता है डायमेंशन क्लास का, उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और डीआईएम ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको अपना जो वेब पेज मिलेगा वो लार्ज मिलेगा। लार्ज होने के बाद वो ऑटोमेटिकली दिए गए डायमेंशन के हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा। तो जैसे ही आपका वेब पेज ओपन होगा, देखिए आउटपुट आपके सामने है, वेब पेज ओपन हुआ। ओपन होने के बाद इसने अपने वेब पेज को लार्ज किया। जैसे ही ये लार्ज होगा, थोड़ी देर के लिए होल्ड करेगा, तो आपके वेब पेज को कस्टमाइज कर देगा दिए गए डायमेंशन के बिहाफ। तो 300 इसकी विड्थ हो गई और हाइट इसकी हो गई 600। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर डायमेंशन क्लास को यूज कर सकते हैं। अब डायमेंशन क्लास के दो मेथड और होते हैं, गेट मेथड, गेट हाइट और गेट विड्थ करके। ठीक है, आपको क्या क्या मेथड मिल रहे हैं यहाँ पर, गेट हाइट का मेथड मिल जाएगा और गेट विड्थ का मेथड मिल जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, सो डायमेंशन आपने यहाँ पर एक्सेस कर लिया, मैं दोबारा से कोड करके दिखा दे रहा हूँ। डायमेंशन डी इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट विंडो डॉट सेट। अब यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है सेट का ऑप्शन, तो सेट कर चुके हैं। अब हम लोगों को गेट का ऑप्शन चेक करना है, तो गेट साइज भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस भी वेब ड्राइवर के वेब पेज को आप एक्सेस कर रहे हैं उसकी हाइट ऑफ विड्थ अगर आपको पता करनी है, तो विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन क्लास के जो दो मेथड है उसको थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कर दिया डी डॉट गेट, देखिए आपके पास दो मेथड आ रहे हैं, एक हाइट और एक विड्थ। तो पहले मैंने यहाँ पे इसकी विड्थ निकाल ली, ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर डी डॉट गेट हाइट, ये भी मेथड हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हाइट और विड्थ दोनों ही आप एक्सेस कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूँ, इंटीजर। जैसे आपको गेट हाइट कर रहे हैं ना या विड्थ कर रहे हैं ना, तो आप ये विड्थ कॉपी कर लीजिए यहाँ से WITTH और इसको बना दीजिए एज अ वेरिएबल। तो मैंने कर दिया इंटीजर विड्थ इज इक्वल टू डी डॉट गेट विड्थ। इससे होगा क्या, आप SYSO करके उस विड्थ को यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्चुअल में हमारे पास क्या डिजिट निकल के आ रही है। ठीक है, और सेम यही चीज आप यहाँ पर किसके लिए कर सकते हैं, हाइट के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हाइट को आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे करिए इंटीजर हाइट इज इक्वल टू डी डॉट गेट हाइट कर दीजिए, और जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है उसको आप यहाँ से कॉपी करके नीचे दोबारा पेस्ट कर दीजिए और हाइट को फिर से आप यहाँ पर लिख दीजिए। तो इससे क्या होगा कि जब आपका वेब पेज ओपन होगा, उस पर्टिकुलर वेब पेज को जब आप ओपन करेंगे तो उस वेब पेज की हाइट और विड्थ को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होगा और आपके पास फाइनल आउटपुट यहाँ पे क्या निकल के आएगा। तो देखते हैं आउटपुट, ब्राउजर आपका ओपन हो चुका है, इसके अंदर google.com को लोड किया जा चुका है। नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करेगा, छोटा कर दिया और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके वेब पेज का हाइट और विड्थ यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज अ विड्थ एंड दिस इज अ हाइट, 516 विड्थ हो गई और 600 हाइट। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि अगर आपको किसी भी वेब पेज को जब आप लोग ओपन करते हैं, जैसे कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि ये जो आपके पास बॉक्स है, इस वेब बॉक्स की भी क्या हम लोग हाइट और विड्थ निकाल सकते हैं, तो इस पर राइट क्लिक करके आप पहले आपको इसको इंस्पेक्ट कर लीजिए, क्योंकि जब आप किसी कॉम्पोनेंट के ऊपर काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको उस कॉम्पोनेंट के लिए ही
वो गेट विड्थ और गेट हाइट का कॉन्सेप्ट ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, इस टेक्स्ट एरिया जो आपके पास टेक्स्ट एरिया आ रहा है जहाँ पे आप वैल्यूज को लिखते हैं, उस टेक्स्ट एरिया का आप एक्स पाथ निकाल लीजिए, या आपके पास आईडी है या लोकेटर से आप उसको एक्सेस कर लीजिए। इसके लिए मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हम लोग किसी भी कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए फाइंड एलिमेंट मेथड को कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं या वेब एलिमेंट मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर इस बॉक्स का भी आपको यहाँ पर हाइट और विड्थ एक्सेस करना है तो कैसे करोगे। तो राइट क्लिक करके, राइट क्लिक ना करें, यहाँ से आप कॉपी करके एक्सपाथ निकाल सकते हैं। मैं आपको एक्सपाथ के बिना भी आईडी के थ्रू निकालने की एक प्रोसेस बता रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है APJFQB करके एक नाम इन्होंने दिया गया है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन आ रहा है इसमें पता ही नहीं चल रहा है हमारे पास कि ये एक मैच है कि एक से ज्यादा मैच है। एक मैच है तो वन ऑफ वन यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन कुछ कंफ्यूजन है अभी, ये नहीं आ पा रहा है प्रॉपरली। तो मैं काम कर दे रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक्स पाथ बना दे रहा हूँ, तो डबल स्लैश कर देता हूँ एक्स पाथ के लिए। ये हमारे पास हो गया टेक्स्ट एरिया, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में लिख दे रहा हूँ, ये आपके पास हो गया टेक्स्ट एरिया। एट द रेट करके इसकी एक आईडी हमारे पास आ रही थी, तो इस आईडी को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया, इज इक्वल्स टू, और आईडी को सिंगल कोड में आप यहाँ पर जो उसकी वैल्यू दी गई है, एट्रीब्यूट हो गई हमारे पास आईडी और वैल्यू हो गई हमारे पास एपी वाली, तो इसको आप यहाँ पे एक्सेस कर लीजिएगा और क्लोज कर दीजिए। अब देखिए आपके पास आ रहा है 101। इस तरीके से आप एक एक्सपाथ निकाल सकते हैं। एक्सपाथ को आप यहाँ से कॉपी करिए, कॉपी करने के बाद आप जिस करंट वेब पेज के ऊपर हैं उसी वेब पेज के ऊपर से आप किसी कंपोनेंट को एक्सेस करने चाहते हैं या कंपोनेंट के हाइट और विड्थ को एक्सेस करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ इस तरीके से उसके लोकेटर्स को एक्सेस करना कंपलसरी है। तो ये आप यहाँ पर उसके लोकेटर को एक्सेस कर सकते हैं। लोकेटर एक्सेस हो गया, लोकेटर के एक्सेस होने के बाद आप इस लोकेटर की भी हाइट और विड्थ को अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वेब एलिमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे कर दीजिए वेब एलिमेंट, ठीक है, WE इज इक्वल टू, WE हो गया इसका ऑब्जेक्ट, तो वेब एलिमेंट WE इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। प्लस अब WE डॉट गेट करके देखिए, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेथड आ रहे होंगे जिसमें से आपको एक मिलेगा RECT, रेक्टेंगल मेथड, ठीक है। रेक्टेंगल मेथड में से गेट RECT को आप सिलेक्ट कर लीजिए, फिर डॉट करके इसकी भी गेट हाइट, ये देखिए गेट डायमेंशन आ रहा है, गेट हाइट आ रहा है, गेट पॉइंट आ रहा है, तो मुझे हाइट ऑफ विड्थ पता करनी, तो पहले मैंने विड्थ ले लिया यहाँ पर, और फिर से आप इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दीजिए। अब हाइट की और विड्थ के लिए आपको दो मेथड दिए गए, तो पहला विड्थ हमने निकाल लिया, दूसरा हाइट हमने निकाल लिया, ठीक है। गेट हाइट और गेट विड्थ मेथड रिटर्न क्या करते हैं, ये रिटर्न करते हैं इंटीजर वैल्यू, तो आप इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर में। तो ऊपर देखिए ऑलरेडी हम लोगों ने विड्थ ले रखा था, इस विड्थ को कॉपी कर दिया हम लोगों ने, लेकिन ध्यान रखिएगा सेम वेरिएबल नेम नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल लेटर विड्थ, ठीक है। और हाइट भी हमारे पास था, तो इसका एच भी मैं स्मॉल लेटर में ही ले लूंगा, ताकि दोनों वेरिएबल में कोई भी डिफरेंसेस ना क्रिएट हो या आपके पास कुछ भी एरर्स वगैरह ना आए, तो एरर से बचाने के लिए इस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ऑलरेडी हमारे पास है, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं विड्थ, इसको मैंने डबल कोट में कर दिया, WID इज इक्वल टू प्लस विड्थ हो गया ये हमारे पास, ठीक है। और फिर से आप इसको कॉपी करिए, कॉपी करके फिर से आप इसको पेस्ट कर लीजिए, यहाँ हो गया हमारे पास हाइट, तो विड्थ और हाइट HEI कर लेता हूँ मैं इसको। ये इस तरीके से आप कंप्लीट कोड डिजाइन कर सकते हैं। तो डायमेंशन नाम की जो क्लास होती है उसमें एक सेट साइज नाम का मेथड होता है, उसके अलावा हमारे पास दो और मेथड होते हैं जिसमें गेट हाइट और गेट विड्थ, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और किसी पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट से अगर आपको डेटा एक्सेस करना है तो वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इसको रन करा के देख लीजिए, आपको यहाँ तो एक तो वेब पेज का जो करेंट हाइट और विड्थ है वो मिल जाएगा, प्लस उस वेब पेज के अंदर जो आपके पास एक छोटा सा कोई इमेज दिया गया है या आपके पास कोई टेक्स्ट बॉक्स है या आपके पास कोई बटन है, तो GUI के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हार्ड कोडिंग प्रोग्रामिंग कहलाती है, इसको आप करेंगे तो मे भी आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के हार्ड कोड क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आउटपुट देख लेते हैं हम लोग।
पेज हमारा ओपन हो चुका है, लोड हो चुका है, मैक्सिमाइज हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है और विड्थ और हाइट हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जो सिलेनियम की टेस्टिंग में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।